एक मिनट मिलो शांत सुन यो भिके नाले हो और बंदे पढ़ो लोकल बंदे का परेशानी का बाइस बना था तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात आ रही थी जो छोटी गाड़ियाँ ले जाते हैं यहाँ पर जैसे स्कूटर को लेकर मार्केट में ले जाता था या ऑटो वगैरह आते थे उस वजह से कि दुकानदारों ने जो सामान बाहर लगाया था इन्होंने आधी आधी खड़े दोनों साइडों से अपलोड की थी इस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का जो है सामना करना पड़ा। आज म्यूनसिपैलिटी ने अगर ड्राइव ये स्टार्ट की है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दो दिन से ये प्रोसेस चल रहा है तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पूरा पूरा साथ देना चाहिए, पब्लिक को पूरा साउंड देना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये खाली मार्केट के अंदर ये जो ड्राइव नहीं चलनी चाहिए, आप देख सकते हैं थाना चौक से लेकर शेरी कश्मीर के वहाँ जाएँ आप, दोनों साइड जो है गाड़ियों ने वो इंक्रोच करके रखी हुई है जिसका लोगों को मजबूरी जो है मजबूर होकर जो है वो सड़क में चलना पड़ता है। इस वक्त स्कूल के बच्चे हैं, अगर दोनों साइड आपकी जो रोड्स की है वो अगर इंक्रोच हो जाएगी तो मजबूरी बच्चे को या बुजुर्गों को वो रोड में चलना पड़ेगा और हीट एंड रन के केसेस आप रोज देखते हैं। तो मेरी यही अपील है तमाम दुकानदारों से कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, आप यहाँ के रहने वाले हैं तो मिलजुल के ये है जो सर ये भी देखा जाता है कई बार जब उसके ड्राइव चला के चले जाती है दुकानदार फिर रास्ते में सवाल लगा देते हैं, इस पर भी दोबारा क्या करें? देखो ये बात तो नहीं करनी चाहिए, अगर ये ऐसा करेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन होगा तो नुकसान में यही रहेंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लेना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि ट्रैफिक को फ्रेंडली सिलसिला रहे, इनके साथ फ्रेंडशिप से ही सारा मसला हल हो जाए, तो अगर ये फ्रेंडली नहीं रहेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन होगा तो नुकसान ही नहीं होगा। आपके कहा और भी कई जगह की ड्राइव चलनी चाहिए? बिल्कुल चलनी चाहिए, सिटी में हर जगह चलनी चाहिए, ठीक है ना, इससे जो है पब्लिक का ही फायदा है। थैंक यू जी।